मैं नेहा विश्वकर्मा और आज हम आए हैं डासना देवी मंदिर, जिसका सीधा ताल्लुक जो है, जिसका सीधा जो एक लिंक कहेंगे वो है महाभारत के टाइम से। और इसके साथ ही इसका जो लिंक है वो कहा जाता है कि यहाँ पर परशुराम भगवान ने खुद अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते रहेंगे और आज हम इस पूरे मंदिर के बारे में जानेंगे कि इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या विशेषताएँ हैं और कैसे कैसे यहाँ पर इसका इतिहास कितना पुराना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये मंदिर का गेट है और यहाँ पर पहला ही जो बोर्ड हमें नजर आ रहा है, उस बोर्ड पर सीधे तौर पर यह लिखा हुआ है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। तो इस बारे में हम मंदिर में मौजूद तमाम साधुओं महात्माओं से बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक महात्मा है, उनसे हम बात करेंगे कि मंदिर के बोर्ड पर यह जो बात लिखी हुई है, यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हम पंडित जी से पूछेंगे कि इसका क्या कारण है। यहां क्या है, मुस्लिम आबादी काफी है और जिसके चलते मंदिर में कई बार डकैती हुई है, लूट हुई है, कई मंतों को मार पीट के यहाँ से भगाया गया है। और कई बार यहाँ, अभी कुछ समय पहले आपने एक विवाद सुना होगा, वो उसमें एक लड़का टॉयलेट करने आया था। वो मंदिर में पहली बार मुसलमानों को आना जरूरी क्यों है, पूजा पाठ करने आते हैं, नहीं आते हैं, केवल आएंगे यहाँ हमारी बच्चियों को छेड़ेंगे, बच्चियों के साथ गलत करेंगे। ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं, कई बार हुई है, उसी के चक्कर में कई बार यहाँ हमने लोगों को पीटा है। जब यहाँ समाज एकत्रित हुआ, पंचायत हुई, उसके बाद ये बोर्ड लगाया गया और ये काफ़ी पुराना बोर्ड लगा है। तो ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है और इस बोर्ड में जो भी लिखा है उसके पीछे का कारण हमने बता दिया। आज हम पंडित जी के साथ पूरा मंदिर घूमेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर क्या क्या खास है। परशुराम ने खुद अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। हम आपको दिखाएंगे जल्दी ही कि वो शिवलिंग किस जगह पर है और पंडित जी से उसकी पूरी जानकारी भी बताएंगे आपको कि वो कैसे हुआ और कब हुआ। शिव जी की कितनी खूबसूरत मूर्ति है जिसमें शिव पार्वती दोनों के दर्शन देख सकते हैं आप। एक तरफ नंदी है, एक तरफ है पार्वती माता की सवारी, शिव पार्वती दोनों के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और अब हम उस जगह जाने वाले हैं जहाँ पर परशुराम भगवान ने खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। अब हम इस वक्त उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर परशुराम भगवान ने शिव की स्थापना की थी, शिव की मूर्ति की, शिवलिंग की स्थापना की थी। आपको हम वो शिवलिंग आप देख सकते हैं कैसे वो शिवलिंग यहां पर मौजूद है जिसकी स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। यहां की इस जगह की एक और खास बात है कि कहा जाता है कि लाक्षाग्रह के दौरान जब सभी पांडव फंस गए थे तो उन्होंने इसी मंदिर में आके शरण ली थी। ये एक बेहद ही दुर्लभ, यहाँ पर आप सब चीजें देख सकते हैं कैसे मंदिर की दीवारों पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, सब तरह की प्राचीन बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इस मंदिर की एक और खासियत है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, हम लोग भीग रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस मंदिर की छत खुली है और हमेशा से ये बताया जाता रहा है, जैसे कि अभी पंडित जी ने हमें खुद बताया है कि इस मंदिर की छत कभी भी टिकती नहीं है, यानी अगर इस मंदिर में कोई छत रखी जाती है तो वो गिर जाती है, वो टिकती नहीं है। ये एक बहुत ही एक तरह से कहेंगे तो ये चमत्कार ही हो सकता है कि मंदिर में अगर सभी दीवारें खड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर यहाँ पर छत बनाई जाए तो वो नहीं टिकती है। और हम अभी आगे बात करेंगे पंडित जी से कि जो भी लाक्षाग्रह की क्या क्या कहानी थी, इसके साथ ही जो परशुराम जी ने इसकी स्थापना कब की थी। लाक्षाग्रह में जब आग लगा के वहाँ से जान बचाकर जब पांडव वहाँ से निकले तो यहाँ आके उन्होंने रात में शरण ली, यहाँ सडनली माँ भवानी की पूजा की। 5000 से ज्यादा साल पुरानी है भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग। ये बात तय है कि इसकी स्थापना, इस शिवलिंग की जो स्थापना की गई है, ये बेहद खास बात है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। इसके साथ ही यहाँ पर पांडव ने भी आकर शरण ली। जी जी जी।
तो अभी हम और मंदिरों के दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस मंदिर में और क्या क्या खास है। ये मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? मैं लगभग तो सर आप अपना परिचय दे। मेरा नाम अक्षय त्यागी, गाजवास से ही हूँ और मंदिर में पिछले 25 साल से। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं? मंदिर में ये शक्ति सिद्ध पीठ है, जो यहाँ माँ की मूर्ति है वो यहाँ माँ विराजमान है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और शिवलिंग है यहाँ, पुराना पांडव काल का शिवलिंग। तो इस मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, आप ये मंदिर में घूमने आए हैं, मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा है ये मंदिर? यहाँ पर आप क्यों कब से आ रहे हैं? मैं काफ़ी दिनों से इस मंदिर में आ रहा हूँ। यहाँ 300 साल पहले माता जी यहाँ हाँ माता जी का स्थापना की गई थी 300 साल पहले, क्योंकि मुगलों के समय में उस मूर्ति को तालाब से निकाल कर वापस से माता जी की स्थापना की गई थी। वाकई में ये मंदिर जो है ऐसा है। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं मंदिर में? मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। तो यहाँ पर इस मंदिर के में क्या खासियत, क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पर आकर? यहाँ पर आकर सारी मनोकामना पूर्ण होती है और जी जो यहाँ के बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, वो हिंदू धर्म सनातन धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं। हमने इनसे इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में भी बात की और अब इस वक्त हम जा रहे हैं एक बेहद खास तालाब की ओर, जिसका इतिहास बेहद रोचक है। यहाँ पर यहाँ के लिए बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले, यानी करीब 300 सालों पहले यहाँ पर एक काली माता की भी नहीं मूर्ति है, पर एक तरह से कहा जाए तो उसका जो दर्शन देखने में लगता है वो ऐसा ही है, क्योंकि वो मूर्ति 300 साल पहले इस तालाब में एक पंडित जी ने यहाँ पर छुपाई थी, क्योंकि मुगलों ने उस वक्त इस मंदिर को विध्वंस तोड़ दिया था, जिसके बाद से उस मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तालाब में, उस जगह पर जहाँ पर एक नीम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक टापू जैसा है, उसी जगह, ठीक उसी जगह उस मूर्ति को छिपाया गया था मुगलों से बचाने के लिए, करीब 300 साल पहले की ये बात है। और इसकी और भी क्या खासियत है, हम यहाँ पर मौजूद पंडित जी से पूछेंगे कि इस पूरी जगह का जो भी दृश्य है या फिर यहाँ पर जो भी चीजें मौजूद है उनकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं? ये जो तालाब हमारा है, इस तालाब में चर्म रोग का कितना भी बड़ा रोगी हो उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है लगभग 4-5 बार नहाने से। मतलब ये है कि इस तालाब में जो भी 4-5 बार नहाएगा उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसा पंडित जी का कहना है। लेकिन अब ये प्रक्रिया कैसे हुई, ये माँ की कृपा है। क्योंकि जब इस्लामिक यहूदियों द्वारा हमारा मंदिर तोड़ा गया था, तो उस समय के जो महंत थे, पुजारी थे, उन्होंने इस जगह पे, जो आप टापू देख रहे हैं ना, इस जगह पे दबा दिया गया था। लगभग 300 साल में समतल चीज, गहराई वाली चीज़ भी समतल हो जाती है। फिर बाद में एक महात्मा यहाँ आए वापस, उनको सपना दिया, उन्होंने दोबारा स्थापित कराया। उसके बाद यहाँ एक आप मंदिर के जस्ट सामने देखेंगे, एक शेर बैठा हुआ है, वो शेर की समाधि वहाँ है, वहाँ रियल शेर बैठता था पहले। जब शेर बैठता था, जंगल था यहाँ, तो लोग उन्हें आना बंद कर दिया, जो तोड़ने वाले थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया, इस तरीके से दोबारा बचा हमारा। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, जैसे कि ये तालाब है जिसकी ये खास बात बताई पंडित जी ने कि यहाँ पर अगर कोई चर्म रोगी 4-5 बार नहाता है तो माता की कृपा से वो ठीक हो जाता है, ऐसा इनका दावा है। इसके साथ ही ऐसी कई सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, चाहे वो भगवान परशुराम के हाथों से स्थापित की गई हो, ये शिवलिंग हो, या फिर ये टापू जिसमें सीधे आपको मूर्ति, आपसे 300 साल पहले वो मूर्ति निकाली गई थी, एक महात्मा को सपना आया और उस सपने के बाद उस मूर्ति को निकाला गया, अब इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई है। तो वाकई में आप इस पूरे दृश्य को देख सकते हैं, इस पूरे मंदिर को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है ये, यहाँ पर कितनी हरियाली है, हर तरफ आपको ऐसे पेड़ पौधे नज़र आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, पक्षी हो या कुछ भी हो, तो इस तरह की चीज़ें वाकई में बेहद रोचक है। और ये सनातन की एक शक्ति को दर्शाती है कि 300 साल पहले पुरानी एक मूर्ति जो मुगलों के डर से यहाँ पर छुपाई गई थी, अब वो निकाली गई, उसकी स्थापना की गई। तो इस
माता के दरबार में पहुंचने वाले हैं, उसी मूर्ति के सामने बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं जिस मूर्ति को 300 साल पहले तालाब से निकालकर दोबारा स्थापित किया गया था। लेकिन उससे पहले हम आपको एक खास चीज दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शेर की मूर्ति है, शेर की मूर्ति आप देख सकते हैं, ये बड़ा शेर है जिसको माता के मंदिर के ठीक सामने जिसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि स्थापना से ठीक पहले जिस वक्त माता के मंदिर की स्थापना की गई थी, ये शेर जो है यहाँ पर असली का शेर बैठा रहता था जो माता के दरबार के बिल्कुल ठीक सामने बैठता था। इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर मौजूद पुजारी जी से लेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं और ये कब का पूरा मामला है, ऐसा कब हुआ जब ये शेर माता के मंदिर के सामने सच का जो शेर था वो विराजमान रहता था और अभी यहाँ पर उसकी समाधि मौजूद है। यहाँ जो शेर प्रतिमा बनी हुई है प्रतिमा के रूप में, उसके नीचे जस्ट उसकी समाधि है। जब माँ का दोबारा पुनः स्थापना किया गया उस समय यहाँ शेर आके रहने लगा था, जिससे लोग दूर जाने लगे, मंदिर में आना जाना कम हो गया और जो तोड़ने वाले लोग थे जिहादी जातारा के, वो भी काफ़ी दूर रहने लगे। तो ये आपने जाना पूरा मामला कि यहाँ पर शेर पहले बैठता था फिर बाद में उसकी समाधि रखी गई और यहाँ पर एक विशाल शेर की जो है मूर्ति स्थापित की गई। और अब हम आपको माता के दर्शन करवाएंगे, उन्हीं माता के दर्शन करवाएंगे जिनकी मूर्ति 300 साल पहले यहाँ पर दोबारा स्थापित की गई थी। मुगलों के आक्रमण के बाद वो मूर्ति दोबारा से यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो चलिए आपको हम माता के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं कि वो भव्य मूर्ति कैसी है, किस तरह की है। तो आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है जहाँ पर 300 साल पहले माता की जो मूर्ति है उसको पुनः स्थापित किया गया था। और इसी पूरे मामले पर हम एक बार फिर से पंडित जी से जानेंगे कि ऐसा कब कब और कैसे। जी, जब माँ की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया उसके बाद ये शेर रहने लगा। अब मैं आपको माँ के बारे में बता दूँ, जिस पत्थर की माँ की प्रतिमा है उस पत्थर की, इस प्रतिमा से पुरानी कोई प्रतिमा है ही नहीं पूरे दुनिया में, वर्तमान समय में काफी प्राचीन प्रतिमा है माँ की। अच्छा, माँ की प्रतिमा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो उनका स्वरूप जो है काली जैसा है पर वो काली नहीं है, जीव उनकी बाहर नहीं है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। हाँ, आपने उनकी भुजाओं के बारे में भी कुछ बताया था। देखो, इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं जाऊँगा, माँ माँ ही होती, हम महाकाली के रूप में नहीं जानते हैं। और महाकाली के रूप में आप जहाँ भी हमारा पोस्टर वगैरह देखेंगे, कुछ भी लिखा हुआ देखेंगे, महाकाली के रूप में हम जानते हैं। और महाकाली सब शक्ति शक्ति है, माँ माँ ही होती है कैसी भी हो। तो यहाँ पर पुजारी जी ने पूरी बात बताई कि कैसे इस मूर्ति की दोबारा से पुनः स्थापित किया गया इस मूर्ति को। और अभी हम इस मंदिर के और भी कई परिसरों में जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है और कैसा है। चलते जाएंगे हम इसी पर आगे बढ़ते हुए। हम अब जा रहे हैं मंदिर के यज्ञ मंडप की ओर और यहाँ पर काफी, आप देख सकते हैं, काफी पंडित मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे इस यज्ञ के बारे में कि ये कब से चल रहा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार झा। तो आप बताइए इस यज्ञ के बारे में कुछ। ये सहस्त्र चंडी यज्ञ चल रहा है यहाँ, जो सभी हिंदू सनातन धर्म के लोग को कल्याण के लिए और रक्षा के लिए चल रहे हैं। और इस वक्त हम मंदिर के एक और बेहद खास परिसर में मौजूद है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग को आप देख सकते हैं। ये शिवलिंग बेहद खास है, ऐसा बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग है इस मंदिर का, ये वाला जो शिवलिंग है ये पारा धातु से बना हुआ है। आप देख सकते हैं, ये आमतौर पर जो आपने शिवलिंग देखे होंगे ये उनसे अलग है और ये पारा धातु का बना है। ऐसा बताया जाता है कि पारा धातु जो प्रयोग में ली जाती थी मूर्तियों के लिए, शिवलिंग के लिए, वो द्वापर युग में ली जाती थी। तो इसको देखकर ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत कई सौ साल पुराना शिवलिंग है जो एक बेहद विशेष धातु से बना हुआ है जिसको पारा कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका रंग बिल्कुल अलग है इस शिवलिंग का। आप देख सकते हैं आप कैसे ये शिवलिंग बिल्कुल अलग है जिसको पारा धातु कहा जाता है। और ये शिवलिंग द्वापर युग में, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की जो धातु है वो मूर्तियों के लिए द्वापर युग में प्रयोग की जाती थी। करीब
5000 साल पुराने इस पूरे मंदिर का हमने आपको भ्रमण कराया। मंदिर में कैसे एक मुगल युग में जो किस तरह से यहाँ पर हमला किया गया, उससे लेकर कर आज तक की कहानी आपने इस मंदिर की देखी कि मंदिर में कितनी पुरानी मूर्तियां हैं, कैसे काली माता की मूर्ति को स्थापित किया गया जो बेहद खास है। इसके साथ ही एक तालाब जो बेहद चमत्कारी माना जाएगा अगर वो दावा सच है तो, जहाँ पर चर्म रोग के रोगी सही हो जाते हैं। इस तरह की तमाम चीजों से भरा हुआ ये मंदिर वाकई में बेहद आकर्षक है और इसी तरह की तमाम जो चीजें हैं वो सनातन धर्म को महान बनाती है, क्योंकि यहाँ पर शांति है, यहाँ पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं कि आप इस धर्म में हैं, आप इस जगह पर हैं जहाँ का इतिहास बेहद गौरवान्वित करने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ नेहा विश्वकर्मा।